हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टलाइजेशन तक पढ़ लिया था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसके अंदर मैंने बताया था आपको, इम्प्योर सॉलिड से हम प्योर सॉलिड गेट करते हैं और किस तरीके से करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पूरा उसको पढ़ लिया था अच्छे से। आज हमें उससे आगे बढ़ना है और आज चैप्टर को हमें खत्म करना है। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है चैप्टर खत्म करने में। आज हम समझ लेते हैं कि जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। मैं अगर इस टॉपिक का नाम लिख दूं, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, हिंदी में लिखेंगे जल का शुद्धिकरण। ठीक है, जल का शुद्धिकरण लिख लेना हिंदी मीडियम वाले। तो आज हमें पढ़ना है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में, कि कैसे हम वाटर को प्योर करते हैं। एक्चुअल में आप देखेंगे कि पानी जो है आपके घरों में, आपके नलों में जो पानी आता है, तो वो कहाँ से आता है? क्या हमने वो पानी जो है नदियों से आ रहा है हमारे घरों में? क्या हमने नदियों में पाइप फिट कर रखा है? पाइप का एक कोना नदी में है, दूसरा कोना आपके घर में है, हम यहाँ से ऑन कर रहे तो क्या डायरेक्ट नदी से पानी आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, क्या कोई हमने कुआं खोद रखा है वहां से आ रहा है? तो नहीं। क्या हमने कोई तालाब में पाइप डाल रखी है? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये पानी आ कहाँ से रहा है और कैसे आ रहा है, इस बारे में हमें पूरा इस टॉपिक में समझना है कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर होता कैसे है। पहली बात तो प्योरिफिकेशन कर रहे हैं हम, ये मैंने यहाँ पे हमें प्योरिफिकेशन के बारे में समझना है। ठीक है, वाटर आ कहाँ से रहा है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, आप देखो, आप रोज इतना पानी इस्तेमाल करते हो, हम कहते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, जो पोटेबल वाटर है, पीने पीने का पानी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में जो ज्यादातर वाटर है वो कितना है, वो कौन सा है? सलाइन वाटर है, खारा पानी पानी है, यानी कि समुद्र का पानी। और सिर्फ पूरे पानी का 2 से 3% ही है जो हमारे पीने लायक है। यानी इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर, हम इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि पीने लायक पानी जो है वो वर्ल्ड में सिर्फ 2 से 3% है, बाकी सारा पानी हम पी नहीं सकते। अब आप देखते हो कि वही पीने का पानी हम रोज कितना ज्यादा वेस्ट करते हैं। ठीक है, पीते भी हैं, यूज भी करते हैं और वेस्ट भी करते हैं। कि आप यूज करते हो पानी को, पीते हो उससे, अपना घर के सारे काम करते हो, अपना खाना पकाते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बहुत सारे अमाउंट में वाटर वेस्ट भी होता है। फिर भी आप देखते हो हमारे पास रोज पानी आ जाता है। जब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 2 से 3% वाटर है, तो वो बार बार, मतलब वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? हमारे दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, लगातार पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वो वाटर खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके अंदर एक चीज तो वाटर साइकिल तो है ही, कि वाटर साइकिल के जैसे हम यूज करते हैं, वाटर वापस नेचर में जाता है और वो इवेपरेट होके आसमान में जाता है, फिर बादल बन जाता है, बारिश होके नीचे आता है। ये सब चीजें आप 14 चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है ना? फिर बारिश बन के नीचे आता है तो फिर वापस वो पानी उतना ही हो जाता है। तो ये सब चीजें तो आप 14 चैप्टर में पढ़ोगे जब हम वाटर साइकिल के बारे में बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम रोज कितना सारा गंदा पानी छोड़ते हैं नदियों के अंदर। आप लोग देखते हो कि भाई हमने डिटर्जेंट वाला पानी, नाले का पानी, आपके मतलब आप जितने भी दिन भर में वाटर वेस्ट करते हो सब नालियों के थ्रू जाता है, और आप नालियों का पानी देखते हो कितना गंदा होता है, और सारा का सारा कहाँ जाता है? नदी में। और हम बाद में कहते हैं कि हमारा पानी, हम जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं वो नदियों से आता है। ये सारा का सारा गंदा पानी नदियों में जाता है, और वही गंदा पानी फिर हमारे घर में कैसे आ जाता है पीने के लिए? तो हम क्या गंदा पानी पीते हैं? आप बोलोगे कि क्या हम वही गंदा पानी पीते हैं? तो मैं कहूंगा कि इनडायरेक्टली बोलोगे तो वो पानी वही होता है जो हमने पहले पिया होता है। और दूसरी तरह से अगर आप बोलोगे कि क्या हम गंदा पानी पीते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, हम गंदा पानी नहीं पीते। एक्चुअल में क्या होता है, जो हम पानी पीते हैं और जो भी हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सारा का सारा वाटर जब वेस्ट होके वापस नदियों में, तालाबों में, जहां भी चले जाता है, वापस हम उसको क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं। ठीक है, उस गंदे पानी को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं और दोबारा उसे पीने के लायक बनाते हैं और पीते हैं। ठीक है, क्योंकि नया पानी तो हर हर बार नया नहीं ला सकते ना, ये नहीं ना कि एक बार जो पानी वेस्ट हो गया भाई उसको खत्म करो, हटाओ। हमारे पास भाई पानी हम खुद बना तो सकते नहीं है,
ये तो नेचर हमें जितना देगी हम उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास बस एक तरीका है कि हम पानी को साफ करके दोबारा से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यानी कि वही होता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जब आपका वाटर इम्प्योर हो जाता है, गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, हम उसको वापस क्लीन करते हैं और क्लीन करके दोबारा हम उस वाटर को पीने के लायक बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी जल का शुद्धिकरण। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर का प्यूरिफिकेशन होता कैसे है। ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसमें से आप साफ साफ बना लेंगे देख के। वैसे ये भी ठीक ही लग रहा है, ठीक है, आप एनसीईआरटी में से देख के और साफ सुथरा बना सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है और मैं एक एक स्टेप के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो होता क्या, देखो वाटर का प्यूरिफिकेशन होता क्या है, कैसे है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, अगर हम लोग, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और हम बात करें कि भाई हाँ दिल्ली के लोगों को पीने का पानी कहाँ से मिलता है? आप लोगों ने सुना होगा भाई यमुना नदी से मिलता है, ठीक है, यमुना नदी का पानी हम पीते हैं। तो भाई अगर एक्चुअल में आप यमुना नदी जाके देखोगे ना, तो आपके घर की नाली और यमुना नदी के बीच में कोई फर्क नहीं है, वो उतनी ही गंदी है जितने आपके घर की नाली गंदी होती है, ठीक है। तो उतना ही उसके अंदर डस्ट, कचरा और उसका पानी आप देखोगे एकदम काले कलर का दिखेगा, तो आप कहोगे कि हम क्या वो वाला पानी पी रहे हैं? तो एक्चुअल में आप वही वाला पानी पी रहे हो, पर उसको साफ करके पी रहे हो, ठीक है। जैसे आपके घर में क्या होता है, आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो आप ये तो नहीं है ना एक बार कपड़े गंदे हो गए फेंक दिए, नए कपड़े ले आया, हर जितने बार कपड़े गंदे हो रहे हो आप हर बार नए कपड़े ला रहे हो, उसको धो के वापस पहनते हो ना। वैसे ही आपके जो वाटर एक बार गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, उसको आप दोबारा से क्लीन करके दोबारा उसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहीं से भी वाटर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वाटर हमारे जहाँ भी रिसोर्स है उसका, चाहे वो रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, कहीं है, कहीं से भी हम वाटर लाते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो इकट्ठा जिसमें किया जाता है उसे रिजर्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिजर्वायर, ठीक है। रिजर्वायर के अंदर हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, हिंदी में कहें इसे तो जल भंडार। जल भंडार, भंडार की बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारा वाटर यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए इसको जल भंडार कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम वाटर को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं कहीं से भी, ठीक है, जो भी इम्प्योर वाटर है उसको कलेक्ट करके हम रख लेते हैं। उसके बाद ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू वाटर हमारा जाके साफ होता है। सबसे पहला प्रोसेस है कि रिजर्वायर से जो सबसे पहला टैंक, यहाँ पे आपके सामने चार टैंक है, टैंक नंबर वन, टैंक नंबर टू, टैंक नंबर थ्री, टैंक नंबर फोर, ये चार टैंक से होके आपका वाटर जो है गुजरता है और इसी दौरान वो साफ हो जाता है, ठीक है। पहला टैंक है सेडिमेंटेशन टैंक, एक्चुअल में यही चार नहीं है और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर आपके एग्जाम के लिए या आपके क्लास तक इतना समझना ही बहुत है, वरना सिर्फ चार चीजों से ही पानी उतना खराब पानी साफ नहीं होता, उसमें और भी हम केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, पर जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपको समझना है। बेसिक ये चार ही है, ठीक है, ये चार जो है सबसे बड़े उसके हिस्से हैं, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन के सबसे बड़े हिस्से जो है वो यही चार हैं जिनको हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले रिजर्वायर से वाटर किस में जाता है? सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक को हिंदी में कहते हैं तलहट टैंक, तलहट टैंक। तलहट टैंक में क्या होता है? सेडिमेंटेशन, जब कोई चीज सेडिमेंट हो जाती है, सेडिमेंट मतलब नीचे बैठ जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो देखो सबसे पहले ये वाटर जो है रिजर्वायर के अंदर, मैं कह रहा हूं कि मैंने ये कहीं नदियों से या कहीं से भी कलेक्ट किया है और उस पानी में बहुत गंदगी है, बहुत सारे धूल मिट्टी के कण हैं, बहुत सारे मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं, या बड़ी बड़े बड़ी बड़ी चीजें हैं जो वाटर में तैर रही हैं लगातार, ठीक है। तो होगा क्या, सबसे पहले रिजर्वायर से पानी इसमें गया, यहां पे मैंने मान लो यहां वाटर इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को रोक देते हैं, वाटर को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, एकदम स्टिल, बिल्कुल भी हिला हिलना डुलना नहीं है उसको, एकदम शांत छोड़ देते हैं। कभी आप पानी को, पानी में कोई चीज घोलो, अगर वो एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि अगर वो सस्पेंशन है, क्या है,
सस्पेंशन, हमने पढ़ा था सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर आप पानी में कोई सॉल्यूट घोल रहे हो जो उसमें नहीं घुल सकता और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो क्या होगा, सारी की सारी चीज नीचे बैठ जाएगी। जैसे हम पानी के अंदर सैंड घोले, चॉक पाउडर घोले, क्या होगा, जब तक वो पानी हिल रहा है तब तक तो उसमें वो घूमता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप उसको स्टिल छोड़ दोगे, शांत छोड़ दोगे, सारे के सारा जो डस्ट पार्टिकल है वो किधर बैठ जाएंगे, नीचे। तो सेडिमेंटेशन टैंक में भी यही होता है कि इसके अंदर हम वाटर को स्टिल कर देते हैं, शांत कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके अंदर इनसॉल्यूबल है, वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है, वो सारी की सारी चीजें नीचे आके बैठ जाती है। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक में जितना भी इंप्योरिटी होती है ये नीचे आके बैठ जाती है। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर का पानी में ये सारे डस्ट पार्टिकल और सारे जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए। अब ये वाटर को वापस हम अगले टैंक में भेजते हैं। अगले टैंक का नाम है लोडिंग टैंक, और हिंदी में इसको कहते हैं भारक टैंक। इसमें क्या होता है भारक टैंक में, अब हैवी पार्टिकल तो नीचे बैठ गए, पर कुछ ऐसे लाइट पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं जो इसमें अभी भी मूव कर रहे होते हैं, इस वाटर के अंदर अभी भी मूव कर रहे होते हैं कुछ लाइट पार्टिकल्स। तो ना इस वाले टैंक में हम वाटर में ऐड करते हैं पोटैश एलम। ठीक है, पोटैश एलम, पोटैश एलम जो होता है आपकी फिटकरी होती है, फिटकरी पता है ना आप लोगों को क्या होता है फिटकरी? अरे जो आप लोग, अगर आप सैलून में जाते हो, सैलून में आपने देखा होगा लोग अपनी बियर्ड बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, शेविंग करवाने के बाद एक पत्थर सा वो उनके चेहरे पर रगड़ते हैं, जो बार्बर होता है वो उनके फेस पे, जो लोगों के जो बियर्ड मतलब शेविंग करवाते हैं उसके बाद उनके फेस पे पत्थर रगड़ पत्थर जैसा कुछ रगड़ता है, वो पत्थर क्या होता है, पोटैश एलम, यानी कि फिटकरी होता है। हिंदी में इसको फिटकरी बोलते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने फिटकरी का। तो ये फिटकरी ना पानी के अंदर घोल दिया जाता है, उसको पाउडर बना के, उसका पाउडर बना के वाटर में घोल देते हैं। तो उसको क्यों घोलते हैं पानी में, तो मैंने अभी बताया कि इसमें हैवी पार्टिकल तो यहाँ नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो साथ में इधर आ जाते हैं। तो मैं पोटेश एलम क्या करते हैं, हम उसमें उसका पाउडर पानी में घोल देते हैं। पानी में घोलने से क्या होता है कि पानी में जो लाइट पार्टिकल है ना, लाइट डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो इस पोटेश एलम के पार्टिकल से चिपक जाते हैं। ठीक है, जो डस्ट के पार्टिकल है वो इस पोटेश एलम के पार्टिकल से चिपक जाते हैं और चिपक के भारी हो जाते हैं। वो पहले हल्के थे, अब इनसे चिपकने के बाद क्या हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और भारी होने के बाद इसलिए वो भी वापस क्या, कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। वो भी कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। तो लाइट पार्टिकल्स भी नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा, इसके बाद वाटर अगले टैंक में जाता है। इस टैंक को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक, और हिंदी में बोलते हैं छानक टैंक, छानक टैंक। ठीक है भाई, क्या होता है छानक टैंक? अब जैसा कि नाम है छानक, यानी कि नाम है फिल्ट्रेशन टैंक, तो सीधी सी बात है क्या होता है इसमें, फिल्ट्रेशन होता है, वाटर का फिल्ट्रेशन होता है। अब वाटर को फिल्टर किया जाता है, देखो फिल्टर कैसे किया जाता है, ये फिल्ट्रेशन का एक देसी तरीका है। आप लोग अगर कभी गांव देहात देहात वाले इलाकों में जाओ, यानी कि अगर आप तो शहरों में रहते हो, ठीक है, अगर आप लोग किसी ऐसी जगह जाओ मतलब जहाँ बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है, गांव जो होते हैं जहाँ पे झोपड़ियों में लोग रहते हैं, ठीक है ना, आप लोग देखोगे अगर वहाँ का पानी खारा होता है, क्योंकि ऐसे एरियाज में ना ही नल है, आपके घरों में तो नल लग रहा है तो आपने भाई नल चलाया और पानी निकाल लिया, उन लोगों के घरों में नल नहीं होता, वहाँ तक अभी तक नल की सुविधा पहुँची नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में हैंडपम्प लगवा लेते हैं। ठीक है, और गाँव में जो खेती होती है, खेती होने की वजह से उसमें जो फर्टिलाइजर डलता है और वो फर्टिलाइजर्स पानी के साथ मिलके अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, और वही जब पानी आप यूज करने के लिए हैंडपंप के द्वारा मतलब उसको लेते हो, यूज करते हो, तो क्या नाम है, पानी जो अंदर से निकलता है काफी कैसा होता है, इम्प्योर होता है, वैसे भी उसके अंदर काफी वो मड पार्टिकल्स यानी रेत वेत भी आ जाता है। तो इसके लिए फिल्ट्रेशन आप देखोगे गाँव के लोग भी ना यही फिल्ट्रेशन टैंक बनाते हैं और इसी से पानी को प्योर करते हैं। ठीक है, और आप ये खुद भी बना सकते हो। कि होता क्या, फिल्ट्रेशन टैंक में तीन लेयर बिछाई जाती है, सबसे नीचे एक लेयर है, ये बीच में एक लेयर है, और एक सबसे ऊपर एक लेयर है। ठीक है, नीचे वाले लेयर को बोलते हैं, नीचे वाले जो है ना, सबसे नीचे क्या है, मोटे मोटे पत्थर, कोरस,
ग्रेवल्स इस्तेमाल करते हैं हम, यानी मोटे मोटे पत्थर इस्तेमाल करते हैं, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर इस्तेमाल, ग्रेवल का मतलब होता है कंकड़। तो यहां पे मोटे कंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर बीच में जो हल्के कंकड़ होते हैं छोटे वाले, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ऊपर जो है फाइन फाइन सैंड यानी कि रेत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे नीचे मोटे कंकड़ बिछाते हैं, फिर थोड़े हल्के कंकड़ बिछाते हैं, और सबसे ऊपर रेत बिछाते हैं, ठीक है, सैंड बिछाते हैं। तो और इसके अंदर से पानी को डाला जाता है, पानी डालेंगे ना तो इसमें से एकदम प्योर होके पानी एकदम छन के निकलता है, बिल्कुल भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं रहती, सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सब के सब मतलब निकल जाते हैं, ठीक है, बाकी सारी इंप्योरिटी इसी में रह जाती है और पानी एकदम साफ सुथरा होके निकलता है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट टैंक में आ जाते हैं। यहां पे ये बात सोचना कि रेत में डाल रहे हैं पानी साफ कैसे हो जाता है, अरे वो रेत जो होता है साफ होता है, ठीक है, ये नहीं कि हर बार आप पानी में डालोगे तो रेत, स्टार्टिंग में जब आप डालते हो तो रेत के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, पर आप उसको बार बार करोगे ना तो साफ हो जाता है पानी। तो दो चार बार करने के बाद ये पानी साफ करने लायक हो जाता है, और इनमें से पानी साफ ही होके निकलता है, गंदा नहीं होता। कहीं सोचो कि भाई पत्थर डाल रहे हैं पानी में, ये डाल रहे हैं तो पानी गंदा हो जाएगा, नहीं, ये साफ सुथरे होते हैं और इससे पानी उल्टा साफ होता है, गंदा नहीं होता। ठीक है, और लास्ट में हम पहुंचते हैं क्लोरीनेशन टैंक में। ठीक है, अब देखो वाटर पूरा, वाटर में से इम्प्योरिटीज तो निकल गए, जितने भी उसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स या और भी चीजें, वो सब तो निकल चुका है, पर इन सब चीजों के करने के बाद भी पानी के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वायरस ये वो तो सब नहीं निकलेंगे ना, अरे वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, तो ये चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजों को थोड़ी फिल्टर कर सकती हैं। ठीक है, ये तो बस थोड़े बहुत मोटी मोटी चीजों को फिल्टर कर सकते हैं, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजों को ये फिल्टर नहीं कर सकते। अब लास्ट में इस वाले में क्या होता है कि पानी के अंदर बच जाता है बैक्टीरिया वायरस या ऐसी चीजें, तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर क्लोरीन गैस छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्लोरीन गैस मिलाते हैं वाटर के अंदर, और क्लोरीन मिलाने से पानी में क्या होता है, इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब मर जाते हैं इसके अंदर क्लोरीन गैस मिलाने से, और उसके बाद जो है हमारा पानी जो होता है वो बिल्कुल पीने लायक हो जाता है, और उसके बाद वो पानी नलों के द्वारा हमारे घर में पहुंच जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिससे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, इसकी जो डिटेल में लिखने का है कि क्या इन हर स्टेप के बारे में, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप लोग नोट्स डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है मतलब इसका रिटर्न वाला पार्ट जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, बाकी इसको आप समझ लीजिए एक बार। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक समझना है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हमें अब पढ़ना है, हिंदी में कहें तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज समझने से पहले हम समझेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले प्रॉपर्टी समझेंगे जब ही तो समझेंगे कि इसमें चेंज होता क्या है। ठीक है, जब तक हमें यही नहीं पता कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी चीज की, तो उसकी उसके चेंज को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हिंदी में कहें तो भौतिक गुण और तथा रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, किसी भी चीज के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये चीजें बाहर से इवेल्युएट की जा सकती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं, जैसे किसी चीज की डेंसिटी, फ्लूडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, शेप,
साइज, हार्डनेस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती होती है, जिन्हें हम बाहर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इनको हमें मेजर करने के लिए या हमें ऑब्जर्व करने के लिए किसी दूसरे चीज के साथ रिएक्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को किसी एक चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना है, तो मैं उसको बाहर से ऑब्जर्व करूंगा, उसके लिए मेरे को उसे किसी चीज से रिएक्ट कराने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी चीज के साथ मिलाने की या दूसरी चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आइस का, किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइस प्रॉपर्टीज बताओ, आइस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, हिंदी में कहें तो बर्फ। अच्छा, ये सब जो चीजें मैंने इंग्लिश में लिखी, हिंदी मीडियम वालों को पता है ना क्या क्या होते हैं, हमने पहले भी सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं। डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है, फ्लूडिटी मतलब तरलता, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, कलर मतलब रंग, शेप आकार, ठीक है, ये सब आप लिखना है। हार्डनेस दृढ़ता, ये सब इसके मतलब मीनिंग है। हिंदी मीडियम वालों को मैंने ये बातें पहले भी बता रखी है। अच्छा, आइस, आइस की बात करें कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आइस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, कि बच्चों आइस की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो इसमें आप क्या बताओगे, इसमें आप आइस का कलर बताओगे, कि आप बोलोगे भाई आइस कैसा दिखता है, ठीक है। तो आप आइस के बारे में बोलोगे, सर आइस ना कलरलेस होता है, मैं कहूंगा ठीक है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आप बोलोगे आइस का ना बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, या आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मैं कहूंगा ये बात भी सही है। आप कहोगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या कैल्विन में बताना हो आप कैल्विन में भी बता सकते हो, मैं कहूंगा ये बात भी आपने सही बताई, ठीक है। आप कहोगे आइस का शेप फिक्स नहीं है, हम जिस मर्जी शेप का आइस को फ्रीज कर सकते हैं, तो शेप नॉट फिक्स्ड, मैं कहूंगा ये भी आपने सही फिजिकल प्रॉपर्टी बताई। पर किसी एक बच्चे ने क्या बोला, किसी एक बच्चे ने इसकी प्रॉपर्टी में बोल दिया कि सर आइस जो होती है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है, आइस जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी होती है, ये बात किसी बच्चे ने मेरे को बोल दी। तो मैं कहूंगा कि आपने बात तो बिल्कुल सही बोली है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है आइस, पर ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है आइस की, कि ये किससे मिलके बना है, ठीक है। आइस की फिजिकल प्रॉपर्टी में आप इसको तब बोल पाते जब आप इसको ब्रेक कर सकते, या ब्रेक करके वापस इसको बना सकते, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता तब हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते। पर ये जो हम बात कर रहे हैं कि आइस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देना और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वापस आइस बना देना, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी। पर दूसरे बच्चे ने बोला कि सर वाटर जो सॉरी आइस जो होता है वो वाटर से बना होता है, आइस जो होता है वो किससे बनता है, वाटर से, मैं कहूंगा अब ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इसने बिल्कुल सही बात बोली, वाटर से बना होता है। अच्छा, वाटर और आइस तो आपस में रिवर्सिबल होते हैं, कि आप वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम पानी को फ्रिज में रखेंगे जम जाएगा, बाहर निकालेंगे वापस गल जाएगा, उसी गले हुए पानी को वापस फ्रिज में रखेंगे फिर से जम जाएगा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो चीज रिवर्स हो सकती है वो हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें आता है, और इस चीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको कैसे पहचानना है कि कोई प्रॉपर्टी फिजिकल है या केमिकल है, तो वो आप इस चीज से पहचानेंगे, ठीक है। और वैसे भी फिजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज होती है तो उससे कोई नई चीज नहीं बनती, इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हमें मेन पढ़ना क्या है, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ना है, मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था, मैं आपको किसके बारे में बता रहा था, प्रॉपर्टीज के बारे में। जब हम चेंज के बारे में पढ़ेंगे तो इस फिजिकल चेंज होता क्या है, जब फिजिकल चेंज वही होता है जब किसी चीज को चेंज किया जाए, किसी प्रॉपर्टी को, और वो रिवर्सिबल ना हो।
सॉरी रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, और रिवर्सिबल ना हो तो वो केमिकल प्रॉपर्टी है। ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं कहूंगा कि आइस से वाटर बन जाना और वाटर से वापस आइस बन जाना, ये कैसा प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे ये कैसा चेंज है। मैं पूछूंगा ये कैसा चेंज है, तो आप बोलेंगे ये फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। ये बात याद रखना है आपको, ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज, ठीक है। पर मैं बोलूंगा कि आइस आइस से टूट के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन जाना, तो ये कैसा प्रोसेस है? तो इस बार ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये कैसा प्रोसेस है, या फिजिकल चेंज नहीं है, कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज। बात समझ में आई? ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी चीज का, ठीक है। उसके लिए हमें किसी दूसरी चीज की से उसको मिलाने की, उसके उसके साथ रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर मुझे आइस की प्रॉपर्टी को जानना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तो मुझे सिर्फ आइस की जरूरत है, आइस के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड की जरूरत नहीं है। सिर्फ आइस मुझे चाहिए और मैं उससे उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लूंगा। पर केमिकल प्रॉपर्टीज अकेली चीज से नहीं जानी जाती, या अकेली चीज से जानी भी जाती है तो उससे नई चीज बन जाती है, ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में भी। तो जैसे कलर पता लगाना है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्लूडिटी, डेंसिटी, कुछ भी पता लगाना है, उसके लिए हमें सिर्फ आइस की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ऐसी प्रॉपर्टीज को कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी बोला जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदी में कहें तो भौतिक गुण। क्या बोला जाता है हिंदी में? भौतिक गुण, ठीक है। तो ऐसे गुण जिनको पता लगाने के लिए हमें सिर्फ उसी चीज की जरूरत है, ठीक है। और जो बाहर से, आपको लिखना क्या है, ऐसे किसी पदार्थ के वह गुण जो उसके उसको बाहर से प्रेक्षित किए जा सकते हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे आपको लिख देना है घनत्व, तरलता, कथ्वनांक, द्रवणांक, रंग, आकार, ये सब लिख देना है, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है उसी को फिजिकल चेंज बोला जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैंने आपको बताया वाटर और आइस के बारे में, मैंने बताया कि आइस से वाटर बना दिया, वाटर से वापस क्या बना दिया? आइस। कैसा चेंज है? फिजिकल। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल किस चीज में चेंज आ रहा है? आइस जो होता है आपको पता है सॉलिड वाटर होता है। अगर वाटर को आप जमा देते हैं यानी सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं तो वो क्या बन जाता है? आइस। और जब आपने इसको पिघला दिया वाटर, ये क्या बन गया? लिक्विड। तो यहां पे आपने किस चीज में चेंज किया? इसके स्टेट में, ठीक है। आपने इसको सॉलिड से लिक्विड बना दिया, पर क्या जब हमने इसे सॉलिड से लिक्विड बनाया तो क्या उसके प्रॉपर्टीज में कोई अंतर आ जाएगा? तो आप बोलेंगे उसकी प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं आएगा। कैसे? अरे आइस भी वाटर का बना है और वाटर तो है ही, ठीक है ना। और मतलब ये आइस भी किसका बना है? वाटर का। जो काम आप इस आइस से कर सकते हो वही काम इस वाटर से भी कर सकते हो, या जो काम आप वाटर से कर सकते हो वही काम आप इस आइस से कर। उसके जो अंदर की प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी एक दूसरे के अंदर होती हैं, इसलिए हम इसको कैसा चेंज कहते हैं? फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये कैसा एक चेंज है? फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल चेंज के बारे में। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी फिजिकल चेंज क्या होता है। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज समझने से पहले हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हिंदी में कहें तो रासायनिक गुण। किसी पदार्थ के रासायनिक गुण क्या होते हैं? व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें समझना है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। किस तरीके से रिएक्ट करता है ये होता है केमिकल प्रॉपर्टी, कि कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ किस
किस तरह से रिएक्ट करता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर दोनों कैसे होते हैं, दोनों लिक्विड हैं, दोनों क्या हैं, लिक्विड। पर इस लिक्विड से आग लगती है और इस लिक्विड से आग बुझ जाती है, ठीक है। मतलब ये आग जलाता है, हेल्प्स इन कंबशन, ठीक है। और ये क्या करता है, आग बुझाता है, ठीक है। स्टॉप्स कंबशन, ठीक है। ये कंबशन करवाता है, ये कंबशन रोकता है, यानी कि ये आग जलाने में हेल्प करता है, ये आग बुझाने में हेल्प करता है। देखो दोनों ही लिक्विड है, पर एक चीज, तेल डाल दोगे आग में और आग बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ पानी डाल दोगे आग में आग बुझ जाएगी। यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हुए भी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हुए भी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, यानी कि ये किसी चीज के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ये किसी चीज के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और भी आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। अब हम वाटर के अंदर ही देखते हैं, वाटर जो है आपको पता है दो चीजों से मिलके बनता है। वाटर किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। पर आपको पता होगा कि ऑक्सीजन जो होता है ये बिल्कुल जरूरी होता है, नेसेसरी होता है कंबशन में, ठीक है। आग जलाने में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जब अगर ऑक्सीजन होगा तब वहां पे कंबशन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन भी नहीं होगा। और आपको पता है वाटर जो होता है वो आग बुझाने में काम आता है, जबकि देखो ये वाटर भी किससे बना है, ऑक्सीजन से ही बना है, पर ये आग जलाने का काम कर रहा है और ये आग बुझाने का काम कर रहा है। यानी कि पहली बात तो दो अलग अलग चीजें, भले ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, पर फिर भी वो किसी दूसरी चीज के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी बात कि होता क्या है कि कोई भी एक चीज होती है ना, दो चीजें होती है, देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। आप जब भी कोई रिएक्शन करते हो ना, जब भी आप रिएक्शन करते हो तो होता क्या है, जिन चीजों को आप मिलाते हो, जिन दो चीजों को मिला के आप नई चीज बनाते हो उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट देखो रिएक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, या आप दो चीज को मिला के एक नई चीज बना रहे हो, या आप किसी एक चीज को तोड़ के दो चीज बना रहे हो, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, केमिकल रिएक्शन में पहली चीज होती है कि आप दो चीज मिला के एक चीज बना रहे हो, और दूसरी चीज होती है कि आप एक चीज को तोड़ के दो चीज बना रहे हो, ठीक है। तो जिन जो चीज यहाँ पे होती है, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, वो होता है रिएक्टेंट, हिंदी में इसको कहते हैं अभिकारक, और इसे कहते हैं उत्पाद, ठीक है। उत्पाद कि जो जिन चीजों को मिला के कोई नई चीज बनाई जाती है, जो मिलाया जाता है वो होता है अभिकारक, और जो चीज बनती है वो होता है उत्पाद, ठीक है। तो जैसे आप कहेंगे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है, वाटर, तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टी की एक बात होती है कि हमेशा रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज उसके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी आपस में बिल्कुल अलग होती है। आप देख सकते हो कि वाटर जो होता है बना है ऑक्सीजन से, पर उसके अंदर ऑक्सीजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन आग जलाने के काम आता है, पर यहाँ पे जो वाटर है वो आग बुझाने के काम आता है। तो बना उसी से है पर वो उसकी खास बातों को नहीं दर्शाता, तो इसी चीज को बोला जाता है केमिकल चेंज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली बात केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि हम वो प्रॉपर्टीज जो कि बताती है कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं वो प्रॉपर्टीज जो किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराने पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा
वो उसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आता है उसे केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो जो वाटर बना उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई और एक बिल्कुल नई चीज बनी जिनकी जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कंबशन, किसी भी चीज का जब कंबशन होता है यानी कोई भी चीज जलाई जाती है तो उसके अंदर केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जब भी आप कोई चीज जलाते हो, चाहे आप मोमबत्ती जला रहे हो, चाहे आप कागज जला रहे हो, चाहे आप कुछ भी जला रहे हो, गैस जला रहे हो, एलपीजी, सब में कंबशन होता है और सब एक तरह का क्या है, केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जब भी आप दो चीजों को मिला रहे हैं जिससे नई चीज बन रही है जिसकी प्रॉपर्टी बाकी दो चीजों से बिल्कुल अलग है, वो केमिकल चेंज है। जैसे रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब होता है आपका यानी कि जो भी आपका लोहा होता है, आप देखते हो लोहे की चीज को अगर आप खुला छोड़ देते हो उसके ऊपर पानी और हवा लगने की वजह से ऊपर ब्राउन कलर का एक मतलब सब्सटेंस जम जाता है जिसे आप बोलते हो नॉर्मल भाषा में कि इसमें जंग लग गया, कि लोहे में क्या लग गया, जंग लग गया। ठीक है, तो वही जंग जो होता है एक्चुअल में उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रस्टिंग। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। क्या बोला जाता है? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन के बारे में आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको बस ये पता रहना चाहिए कि रस्टिंग जो होता है एक प्रकार का या एक टाइप का केमिकल चेंज होता है। ठीक है, किसी भी आयरन में रस्ट लगना वो उसका केमिकल चेंज है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, बस आपको इतना समझना है कि फिजिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जो आप बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको उस एलिमेंट को या कंपाउंड को दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा के देखना पड़ेगा कि वो उससे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज आता है तो उसे हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। एग्जाम्पल्स आप इनका ले सकते हैं। ठीक है, ऑयल वाटर के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको वाटर के बारे में बताया कि वाटर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, फिर मैंने आप लोगों को रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बताया, और भी बहुत सारे आपके केमिकल चेंजेस होते हैं, आप अपने एक बुक में से रीड कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक का, उसके अंदर यही पूछा है कि कौन सी चीज फिजिकल चेंज है और कौन सी चीज केमिकल चेंज है, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर आप 24 पे देखेंगे, अपने बुक के पेज नंबर 24 पे देखेंगे, आपको बोला गया कि चेक करो कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। सबसे पहले बोला है कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों को काटना। अच्छा, पेड़ों को अगर हम काटते हैं तब भी वो रहेगा तो पेड़ ही, उससे क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में कोई चेंज आ जाएगा, उसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये एक तरह का कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। आपको चेंज बताना है कैसा है। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग ऑफ, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग ऑफ बटर मक्खन का पिघलना। क्या मक्खन जब पिघल जाता है तो उससे कोई नई चीज बन जाती है? तो आप कहेंगे नहीं, पिघलने के बाद मक्खन मक्खन ही रहता है, तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। ठीक है, आपको देखना है कि जो बदल जाता है वो फिजिकल चेंज नहीं है और जो नहीं बदलता वही चीज रहती है तो वो फिजिकल चेंज है। अगला, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। आपके पास एक लोहे की अलमीरा है, अलमीरा मतलब अलमारी होती है, ठीक है, और उसमें रस्ट लग रहा है यानी जंग लग रहा है, तो ये एक तरह का केमिकल चेंज होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि रस्टिंग जो होता है वो एक तरह का केमिकल चेंज होता है। अगला है बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम टू फॉर्म स्टीम, बॉइलिंग ऑफ वाटर। आप बताओ वाटर बॉइल होना कैसा चेंज है?
तो भाई वाटर जो है बॉयल होके स्टीम बनेगा, और स्टीम को आप ठंडा करो वापस वाटर बन जाएगा, यानी कि एक तरह का फिजिकल चेंज है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अगला, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कि वाटर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर को आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। तो भाई जब आप वाटर को तोड़ते हो, मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग-अलग होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग होती है, तो एक तरह का कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है, एक तरह का केमिकल चेंज है, याद रखना। अगला है डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट घोल रहे हैं आप वाटर के अंदर, तो भाई सॉल्ट घोल रहे हैं उसको अलग भी हम कर सकते हैं, रिवर्सिबल होता है, इवेपोरेट करके कर सकते हैं, हमने सीखा है कैसे करते हैं, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, अरे क्या आप सैलेड बनाएंगे जब फ्रूट से, तो क्या वो बदल जाएगा, वो फ्रूट की जगह कुछ और बन जाएगा, तो नहीं, वो फ्रूट का फ्रूट ही रहेगा, तो ये एक तरह का कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। और लास्ट में आपको यहां पे पूछा है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ठीक है, कि आप कोई कागज जला रहे हैं या आप कोई लकड़ी जला रहे हैं, तो वो कैसा चेंज है, तो मैंने आपको बताया था कि कंबशन, किसी भी चीज को आप जलाते हैं, किसी भी चीज का आप दहन करते हैं, तो वो एक तरह का केमिकल चेंज होता है, तो उसमें आप लिखेंगे केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि है प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है, तो इसको एक बार आप एक बार अच्छे से देख लें, उसके बाद हम करते हैं बात एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में, जो कि प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो है प्योर सब्सटेंस। वैसे तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही इसको समझा था, मैंने आप लोगों को प्योर सब्सटेंस के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया था, एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं उन्हीं सब चीजों के बारे में और थोड़ा डिटेल में इस बार, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ, मैंने आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ होते क्या है, कि भाई जिनके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती, जिसके अंदर कोई और चीज नहीं मिला होता, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध आप किसी को बोलेंगे, शुद्ध आप उन्हीं चीजों को बोलेंगे ना जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी, यानी कि जो भी चीज एक ही एलिमेंट से बने होते हैं या एक एलिमेंट के फिक्स रेशो में जुड़ने से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती, जिसके अंदर कोई अशुद्ध चीजें नहीं होती हैं, अशुद्धि नहीं होती है। अब प्योर सब्सटेंस जो है ना, ये आगे दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं तत्व और कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। बात करते हैं कंपाउंड के बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। अब एलिमेंट जो होता है ना, आगे जाके तीन पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, हिंदी में कहते हैं इसको धातु, इसे कहते हैं अधातु और इसे कहते हैं उपधातु। ठीक है, तो ये तीन तरह के एलिमेंट होते हैं आपके, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड। इन मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने ये मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि क्या होते हैं मेटल और क्या होते हैं नॉन मेटल, आपने इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच की प्रॉपर्टीज को अलग अलग करके,
जैसे कि मेटल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मेटल जो होते हैं ये लस्ट्रस होते हैं, यानी कि ये चमकीले होते हैं। हिंदी में बोला जाए तो कैसे होते हैं? चमकीले। ठीक है, चलो मैं अभी आपको अलग से इसको करा देता हूं। ये लस्ट्रस होते हैं, ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, ठीक है ना? नॉट लस्ट्रस। ठीक है, फिर फिर ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल जो होते हैं ये गोल्डन, येलो या सिल्वर कलर के होते हैं। मतलब इनके ये ज्यादा कलर में नहीं पाए जाते, गोल्डन येलो या सिल्वर कलर में पाए जाते हैं। इनके कलर्स की बहुत वैरायटी नहीं होती, और ये दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मेटल जो होते हैं कैसे होते हैं, ये आपके मेलेबल होते हैं। मेलेबल होते हैं और ये नॉन मेलेबल होते हैं। ठीक है, मेलेबल का मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है अघात वर्ण्य पूर्ण, ठीक है ना? अघात वर्ण्य होते हैं। अघात वर्ण्य मतलब इनको पीट पीट के आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शीट्स में, यानी कि पतली पतली चादरें आप इनकी बना सकते हैं। ठीक है, पर उसमें आप नहीं कर सकते, उसको करेंगे तो टूट जाएगा। दूसरी बात, ये डक्टाइल होते हैं और ये डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर मैंने डक्टाइल मतलब इसका मतलब है कि मेटल जो होते हैं आप इनको खींच के वायर बना सकते हैं, और नॉन मेटल को आप खींच के वायर नहीं बना सकते। ठीक है, मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब कि इनके गिरने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, कि मेटल को आप किसी चीज पे टकराते हैं या गिरता है मेटल तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और नॉन मेटल जो होते हैं ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, और वही प्रॉपर्टी आपको दोबारा पढ़नी है। तो यही चीजें हैं, आप चाहे तो ऐसे शॉर्ट में लिख लें या तो मैं आपको डिटेल में भी लिखवा दूंगा। ठीक है, बाकी अब लास्ट रह जाता हमारा क्या? मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड क्या होता है? एक है मेटल, तो आपने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि क्या होते हैं मेटल और क्या होते हैं नॉन मेटल। आपने इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच की प्रॉपर्टीज को अलग अलग करके। जैसे कि मेटल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मेटल जो होते हैं ये लस्ट्रस होते हैं, यानी कि ये चमकीले होते हैं। हिंदी में बोला जाए तो कैसे होते हैं ये? चमकीले। ठीक है, चलो मैं अभी आपको अलग से इसको करा देता हूं। ये लस्ट्रस होते हैं, ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, ठीक है ना? नॉट लस्ट्रस। ठीक है, फिर ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल जो होते हैं ये गोल्डन, येलो या सिल्वर कलर के होते हैं। मतलब इनके ये ज्यादा कलर में नहीं पाए जाते, गोल्डन येलो या सिल्वर कलर में पाए जाते हैं। इनके कलर्स की बहुत वैरायटी नहीं होती, और ये दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मेटल जो होते हैं कैसे होते हैं, ये आपके मेलेबल होते हैं। मेलेबल होते हैं और ये नॉन मेलेबल होते हैं। ठीक है, मेलेबल का मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है अघात वर्ण्य पूर्ण, ठीक है ना? अघात वर्ण्य होते हैं। अघात वर्ण्य मतलब इनको पीट पीट के आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शीट्स में, यानी कि पतली पतली चादरें आप इनकी बना सकते हैं। ठीक है, पर उसमें आप नहीं कर सकते, उसको करेंगे तो टूट जाएगा। दूसरी बात, ये डक्टाइल होते हैं और ये डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है,
फिर मैंने डक्टाइल मतलब इसका मतलब है कि मेटल जो होते हैं आप इनको खींच के वायर बना सकते हैं, और नॉन मेटल को आप खींच के वायर नहीं बना सकते, ठीक है। मेटल जो होते हैं सोनरस होते हैं, सोनरस मतलब कि इनके गिरने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, कि मेटल को आप किसी चीज पे टकराते हैं या गिरता है मेटल तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और नॉन मेटल जो होते हैं ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, और वही प्रॉपर्टी आपको दोबारा पढ़नी है, तो यही चीजें हैं। आप चाहे तो ऐसे शॉर्ट में लिख लें, या तो मैं आपको डिटेल में भी लिखवा दूंगा, ठीक है। बाकी अब लास्ट रह जाता है हमारा क्या, मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड क्या होता है, एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। तो मेटलॉइड जो होता है, मेटलॉइड के अंदर ना दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल वाली होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल वाली होती हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और कंपाउंड जो है, कंपाउंड जो होता है ना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कंपाउंड के बारे में पहले, फिर मैं इनको एक बार अलग से डिटेल में बता दूंगा थोड़ा सा। कंपाउंड जो होता है वो इन मेटल और नॉन मेटल या मेटलॉइड से मिलकर ही बनता है। कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड, इनके आपस में मिक्स होने से बनता है, आपस में मिलने से बनता है। पर इनका जो मिलना होता है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो मिलते हैं, ठीक है। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर मेटल, नॉन मेटल और मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। मेटल में मेटल भी जुड़ सकता है, मेटल में नॉन मेटल भी जुड़ सकता है, मेटल में मेटलॉइड, ऐसे करके मतलब इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। लॉइड मिक्स या कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन थ्रू केमिकल रिएक्शन। मतलब जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू दो या दो से ज्यादा एटम, सॉरी दो या दो से ज्यादा मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड आपस में जुड़ते हैं एक फिक्स रेशियो में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तब हम उसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, क्या बोल सॉरी तब हम उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड, क्या बोलते हैं उसे, कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड के बारे में बताया है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ठीक है। कि जैसे अगर मैंने लिखा मिथेन, CH4, CH4 क्या है, मिथेन, मिथेन एक गैस है, ठीक है। तो ये मिथेन गैस कब बनती है, जब कार्बन का एक पार्टिकल और हाइड्रोजन के चार पार्टिकल आपस में मिलेंगे तब जाके एक मिथेन का पार्टिकल बनेगा, ठीक है। तो इनका फिक्स रेशियो है कि हमेशा इसी रेशियो में जुड़ेंगे, इसमें एक भी चीज आगे पीछे नहीं हो सकती। ये नहीं कि किसी दिन 5 हाइड्रोजन जुड़ जाएं और आप बोलेंगे चलो आज नया मिथेन आ गया हमारे पास 5 हाइड्रोजन वाला, नहीं, 5 हाइड्रोजन या कार्बन कुछ भी अगर एक भी चीज चेंज हो जाती है तो वो चीज ये हमारा केमिकल बदल जाएगा, मतलब फिर ये मिथेन नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वाटर, जैसे आपको पता है H2O वाटर होता है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज कर दूं, हाइड्रोजन कम कर दूं या ऑक्सीजन बढ़ा दूं या कुछ भी कर दूं, तो ये वाटर नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। तो हमेशा इनका जुड़ना जो होता है फिक्स रेशियो में ही होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेटल या नॉन मेटल जो भी होते हैं आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही जुड़ते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनका हमेशा जब इन्हीं से बनता है कंपाउंड, हमेशा इन्हीं से बना होता है और वो हमेशा फिक्स रेशियो में जुड़ने से बनता है। ये इसके अंदर एक ही, ये एलिमेंट जो होते हैं एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, यानी गोल्ड है तो सारे पार्टिकल गोल्ड है, ठीक है। नॉन मेटल कार्बन है तो सारे पार्टिकल क्या है, कार्बन। पर कंपाउंड में अलग अलग,
या इनके मिक्सचर हो सकते हैं, पर वो हमेशा एक फिक्स रेशो में ही जुड़ते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको एक बार देख लो, एक बार मैं अच्छे से इनके बीच का डिफरेंस लिखवा रहा हूं, तो उसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसको नोट करें आप। तो ये देखिए आप लोग, ये आपका लिखा हुआ है मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस। तो मैंने अभी आपको वैसे समझा दिया था, एक बार फिर से मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, आप इसको नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके और इसके इसके बारे में समझेंगे। जैसे मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है, दे हैव लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, हिंदी में क्या होता है चमक, यानी आप लिखेंगे ये चमकीले होते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे मेटल के लिए लिखेंगे ये चमकीले होते हैं, और नॉन मेटल में लिखा है ये चमकीले नहीं होते, दे डू नॉट हैव लस्टर, दे डू नॉट हैव लस्टर, यानी कि उन ये चमकीले नहीं होते। मेटल जो होते हैं चमकीले होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं चमकीले नहीं होते। दे हैव सिल्वर ग्रे एंड और गोल्डन येलो कलर, ये भी मैंने अभी लिखवाया था कि या तो सिल्वर सिल्वर ग्रे कलर के दिखते हैं या तो गोल्डन येलो कलर के, थोड़ा सा रंग में वैरायटी में चेंज होता है, हल्का फुल्का, किसी का कलर थोड़ा ज्यादा डार्क होता है, किसी का थोड़ा लो होता है, तो पर दिखने में ऐसे लगते हैं। ठीक है, पर ये कुछ ऐसा नहीं है, कोई येलो होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई ब्लू होता है, अलग अलग कलर के नॉन मेटल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेटल जो होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर देखते हो सारे के सारे कौन है, मेटल। और नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। आपके घरों में जितनी भी वायर्स हैं सबके अंदर क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, सबके अंदर क्या होता है, मेटल, पर नॉन मेटल की कोई भी वायर नहीं बनती है। अगला है दे आर मेलेबल। मेलेबल मैंने अभी बताया था आपको कि जिसको पीट पीट के हम शीट बना सकते हैं, तो मेटल की शीट्स बनाई जा सकती हैं। नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब कि उनको अगर आप ऐसे पीटेंगे हैमर से तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, अगला ये डक्टाइल होते हैं, आप इनको खींच सकते हैं, मेटल को आप खींच के लंबी वायर बना सकते हैं। आप देखते हैं वायर बन जाती है मेटल की, पर नॉन मेटल की नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसको खींचेंगे तो टूट जाएगा। अगला ये सोनरस होते हैं, बताया कि इनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, अगर आप मेटल को गिराओ टकराओ कुछ भी करो उसमें से साउंड निकलेगी जो कि काफी झनझनाने वाली साउंड होगी, इसमें से ऐसी नहीं होती, साउंड नहीं निकलती। अगली एग्जाम्पल है इनके बीच में कि ये इसके एग्जाम्पल कि आपको पता है मेटल के एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, ये सारे आपके एग्जाम्पल है नॉन मेटल के। यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन लिखा है, आप ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन भी बोल सकते हो, सब ये क्या है आपके नॉन मेटल होते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, ये तो हमने जो इनकी प्रॉपर्टीज लिखी है ना, ये इनकी मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की। ठीक है, पर कई बार क्या होता है ना, कुछ रेयर केस निकल के आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि इनकी प्रॉपर्टी से अलग होते हैं, यानी एक्सेप्शन केस होते हैं। हमने प्रॉपर्टीज में लिख दिया कि ये सारी चीजें मेटल में होती हैं, ये सारी चीजें नॉन मेटल में होती हैं, पर कई बार जो मेटल या नॉन मेटल होता है ना, इनमें से कोई एक या दो प्रॉपर्टी उसमें सही नहीं बैठती, फिर भी हम उसको उसी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहली बात कि नॉन मेटल जो होते हैं चमकीले नहीं होते, पर आपको पता होना चाहिए। ये देखो एक नंबर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ आप लिख लेंगे, अलग से नहीं लिखवाऊंगा, ये आप अभी लिखेंगे साथ में। ठीक है, पर डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला होता है, आप देखते हैं जब उल्टा सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चमकने वाला जो नेचुरल अकरिंग चीज है वो कौन है, डायमंड। ठीक है, पर वो एक तरह का क्या है, नॉन मेटल। हम बोल रहे हैं कि मेटल सबसे ज्यादा चमकता है, मेटल चमकते हैं, नॉन मेटल चमकते ही नहीं है, पर एक ऐसा नॉन मेटल जो सबसे ज्यादा चमकता है वो कौन है, डायमंड। ठीक है, डायमंड एक नॉन मेटल है जो चमकता है। फिर मैंने आपको बताया कि मतलब जो मेटल होते हैं कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, और नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते, पर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, फिर और भी कुछ बातें होती हैं, जैसे कि जैसे एक इसमें आप पॉइंट और लिख सकते हैं कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, मेटल कैसे होते हैं, हार्ड, पर आप देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं पर सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एक्सेप्शन केस हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन केस होते हैं जो कि इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से सूटेबल
नहीं होते हैं, फिर भी हमें उनको अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप इनको इनकी प्रॉपर्टीज कर लो, आपके एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं, या इनके बारे में पॉइंट्स भी पूछे तो आप इनमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। हमने 7 लिखे हैं, इतने कभी नहीं पूछेंगे आपसे, 3 या 4 पूछे जाएंगे, आप कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आप पूरा ही नोट करें, फिर मैं बताता हूँ मेटलॉइड के बारे में। तो लास्ट हमारा मेटलॉइड है, मेटलॉइड के बारे में मैं वैसे तो मैंने बता दिया, मेटलॉइड वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, मतलब मेटलॉइड ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस लिख देना है कि द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप इनका एग्जाम्पल लिख लेना, सिलिकन, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, एटसेट्रा। तो बस 2-3 एग्जाम्पल इसके लिए बहुत है। तो ये आपका हो गया। लास्ट आपके बुक में एक दे रखा है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मैं आपको वो टेबल समझा रहा हूँ, वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बुक में, आपके मतलब है लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट पेज में, और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मिक्सचर और कंपाउंड, यानी कि मिश्रण और यौगिक, इसके बीच में अंतर क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है भाई, दोनों जो होते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बनते हैं, दोनों मिक्सचर भी और कंपाउंड भी दो या दो से ज्यादा चीजों के मिलने से बनते हैं, पर इसमें जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसमें हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, और इसमें एलिमेंट्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स डू नॉट मिक्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसमें फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिलते, उसमें फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, इसमें फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं मिलते, ठीक है। इसमें जो होता है ना कि द सॉल्यूशन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो अपने मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसमें क्या होता है, इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसमें नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इसमें न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये फिजिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज होता है, इनको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, कैन बी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल चेंजेस या फिजिकल मेथड्स, और इसमें लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट
कैन नॉट, कैन बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड और कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस या मेथड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड भी लिख सकते हैं। अच्छा तो देखो, तो ये चार आपके पांच आपके डिफरेंस मैंने लिखवा है कि सबसे पहली बात, एलिमेंट और कंपाउंड डू नॉट मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं जुड़ता। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको चाय बनानी है, आप कितना भी दूध डालो, कितना भी चीनी डालो, ऊपर नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चाय बनकर तैयार हो जाएगी। वो एक तरह का क्या है, मिक्सचर। पर कंपाउंड अगर आपको बनाना है तो हमेशा एक फिक्स रेशो में ही चीजों को मिलाना पड़ेगा। अगर जहां रेशो बिगड़ा वैसे ही कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो इस बारे में आपको मैंने बता दिया पहले। दूसरा है सॉल्यूशन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि अगर आप एक मिक्सचर बना रहे ना तो उस मिक्सचर में आपने क्या क्या चीजें डाली हैं, उन सबकी खास बातें उस सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगी। जैसे अगर आपने नींबू पानी बनाया है तो आपने पानी में नींबू डाला है, चीनी डाला है, नमक डाला है या और भी चीजें डाली हैं, तो सबका स्वाद आएगा। जब आप पियेंगे तो आपको सबका स्वाद आएगा, सब पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें डली हैं, ठीक है। बट जब आप कोई कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मैंने वाटर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया कि वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, पर इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। इस बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरा है नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब आप मिक्सचर बनाते हैं कोई नई चीज नहीं बनती। अरे आपने नींबू और पानी मिलाया है तो उससे नींबू पानी बना है, ठीक है, और उसके अंदर दोनों की खास बात है, नींबू की भी पानी की भी। पर जब आप कंपाउंड बनाते हैं तो आपने दो चीजें अलग अलग मिलाई ना, तो नई चीज ऐसी बनेगी जिसमें उन दोनों से कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। जैसे कि हमने इसमें पता किया कि अगर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के वाटर बना दिया तो नई जो चीज बनेगी उसके अंदर दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, एक नई चीज बन के सामने आएगी जिसकी प्रॉपर्टी दोनों से बिल्कुल अलग होगी। ये बात। चौथी बात, ये एक तरह का फिजिकल चेंज होता है जिसे हम वापस भी चेंज कर सकते हैं, ये एक तरह का केमिकल चेंज होता है, इसे वापस करना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, हो जाता है कुछ चीजों में चेंज हो जाता है बट मुश्किल होता है, केमिकल प्रोसेस से चेंज होता है। जैसे कि इसमें लिखा है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं हम फिजिकल मेथड से हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हैं, कि आपने अगर पानी के अंदर नमक मिला दिया तो आप इवेपोरेशन टेक्निक से उनको अलग कर सकते हैं। पर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना कई चीजों में पॉसिबल नहीं भी हो पाता, और कई चीजों में पॉसिबल है तो उसे हम किस केमिकल मेथड से अलग करते हैं, केमिकल प्रोसेस से अलग करते हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है थ्योरेटिकली खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इंटेक्स्ट के सारे क्वेश्चन करेंगे और हम अपने चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली खत्म हो गया, एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इतना आप रिवाइज कर लेना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।